नमस्कार, मैं हूं सबा खान राही और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। अगर आपने कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे, ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि MSSE, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वाहन सरकार करे, यही केवल समाधान है। आपको बता दें, कोरोना संकट की वजह से मार्च में लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे बंद थे, बहुत से लोग लोन की EMI नहीं चुकाने की स्थिति में थे, जिसे देखते हुए RBI के आदेश पर बैंकों से EMI नहीं चुकाने के लिए 6 महीने की मोहलत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मोरेटोरियम के बदले लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को लेकर थी। यह अतिरिक्त चार्ज लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा बोझ बन रहा था। केंद्र सरकार की ओर से दी गई इस राहत का मतलब ये हुआ कि लोन मोरेटोरियम का लाभ ले रहे लोगों को अब ब्याज पर अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। ऐसे ग्राहक सिर्फ लोन का सामान्य ब्याज देंगे। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, एक मिनट हमारे साथ।